हाय गाइस, अगर आप सेकेंड हैंड थार लेना चाहते हो या जीप लेना चाहते हो तो आप ये मायापुरी के अंदर से ले सकते हो। और हाँ, साथ साथ अपनी गाड़ी के लिए कोई भी सेकेंड हैंड पार्ट्स लेना चाहो, कुछ भी सेकेंड हैंड टायर लेना चाहो, तो वो भी आप मायापुरी से आसानी से ले सकते हो। वो सब कुछ यहाँ पे आपको कम से कम रेट में मिल जाएगा, कम से कम रेट के अंदर। गाइस, तो ये मेरी गाड़ी के वाइपर ख़राब हो गए थे जब मैं खाटू श्याम दर्शन करने के लिए गया था, तो अब इन वाइपरों को ठीक करवा रहा हूँ मैं। देखते हैं क्या फॉल्ट निकल के आता है। तो गाइस, गाड़ी के अंदर का फॉल्ट पता चल गया है, इसकी वाइपर मशीन ख़राब है। तो यहाँ पे भी पता करी हमने, नई वाइपर मशीन तो मिल नहीं रही, तो पता कर रहे सेकेंड हैंड। तो सेकेंड हैंड के लिए भाई जो मैकेनिक है इन्होंने बोला है आप मायापुरी से ला सकते हो सेकेंड हैंड, वहाँ पे कम रेट में मिल जाएगी। और तो नई मिल भी नहीं रही है तो बड़ी परेशानी हो रही है। चलते हैं फिर मायापुरी। तो गाइस, गाड़ी के वाइपर की मोटर ख़राब निकली है, तो वो तो यहाँ पर मिल नहीं रही, नई भी नहीं मिल रही, पुरानी भी नहीं मिल रही आसपास। तो मुझे जाना पड़ रहा है इसलिए मायापुरी। मायापुर में सेकेंड हैंड वाइपर की मोटर मिल जाएगी, सिर्फ शायद 500-600 रुपये की मिल जाए, तो देखते हैं। इसी रेट में बताया उन्होंने कि मिल जाएगी, जिन भैया हम गाड़ी ठीक करवा रहे हैं। और अभी आप आज को आज मैं आपको दिखाता हूँ मायापुरी। मायापुरी में क्या है, आप टायर वगैरह ना गाड़ी के बहुत सस्ते ले सकते हो, कोई भी पार्ट्स बहुत सस्ता ले सकते हो। पार्ट्स तो छोड़ो, होंडा सिटी का पूरा इंजन सिर्फ 20,000 रुपये में मायापुरी के अंदर मिल जाता है, 15,000 में मिल जाता है, डिपेंड करता है इंजन की कंडीशन क्या है। 15-20,000 रुपये में पूरी होंडा सिटी का इंजन, और भी गाड़ियों के इंजन आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सस्ते में मिल जाएंगे। और आपको बार्गेनिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी, रेट वैसे वहाँ पर जायज़ होते हैं, ज़्यादा लेते नहीं है वो लोग, फिर भी आप बार्गेनिंग वगैरह करोगे, ऊपर नीचे करोगे, तो वो कुछ ना कुछ कर लेंगे आपके लिए। चलते फिर आज मायापुरी। भाई, दिल्ली में रहने में ना कोई परेशानी नहीं है, और सारी परेशानी पता है क्या है, ये ट्रैफिक। रेड लाइट मिलेंगी, रेड लाइट से पहले ही यार फ्लाईओवर के ऊपर भी ट्रैफिक, इतना गंदा ट्रैफिक भाई, बंदा फंस जाएगा दिल्ली में। ये कौन सा मेट्रो स्टेशन बन गया, देखने में तो अच्छा लग रहा है, मेट्रो स्टेशन है कौन सा, साउथ कैंपस का है कौन सा है, देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे नया मेट्रो बन के अच्छा लग रहा है। दिल्ली के अंदर गाइस फ्लाईओवर के ऊपर भी ट्रैफिक होता है यार, दिल्ली के ट्रैफिक ने तो परेशान कर दिया आज, जहाँ जाओ वहाँ ट्रैफिक, फ्लाईओवर के ऊपर भी ट्रैफिक रहता है, ये फ्लाईओवर है जो भी आप देख रहे हो सामने। तो गाइस, मायापुरी से पहले मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड वैभव चावला के पास, वो यहाँ लोकल का ही है टैगोर गार्डन का, उसके साथ जाके थोड़ा इजी हो जाएगा चीज़ों को लेना और टाइम से घर पहुंचना, ठीक है। और थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, काफ़ी टाइम से मिले भी नहीं है, तभी मिल लेते हैं हम साथ में, कुछ खाना पीना भी हो जाएगा साथ में। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा फ्रेंड वैभव चावला आ गया है भाई। हेलो गाइस, माय बेस्ट फ्रेंड विनय कश्यप, माय बेस्ट फ्रेंड वैभव चावला। तो अभी हम जा रहे हैं मायापुरी, गाड़ी का भी नहीं आए, देख लो यार स्मेल, स्मेल से कैसे होगी गाड़ी में, मायापुरी कुछ यार गाड़ी का सामान लेना था मायापुरी से, मेरे यहाँ पे मिल नहीं रहा, वो नया भी नहीं मिल रहा, पुराना भी नहीं मिल रहा। तो आया वहाँ से, क्या कहते हैं अपना, मालवीय नगर से आया हूँ। मैंने कहा भाई को कॉल कर लेता हूँ, मुझे लगा भाई का वीको नहीं मिला, अरे है लेकिन वो वाला पार्ट ना मिल नहीं रहा है। तभी हम आ गए मायापुरी गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स लेने, वो गाड़ी का सामान लेने जो वहाँ पे मिल नहीं रहा था मालवीय नगर में। तो ये भाई अपने ये वैभव चावला भाई हैं, ये यहीं आप पास में रहते भाई, मिल जाएगा सामान, अरे सब मिलेगा, तो मैं कह रहा हूं सब मिलेगा, तो दिखा देना आगे। कह रहे हैं यहां पे कुछ प्लेन का सामान लेना ना, प्लेन का सामान मिल जाएगा मायापुरी, ऐसी चीज है, कह रहे हैं हेलीकॉप्टर का इंजन मिल जाएगा, तो वो सब मिलेगा यहां पे, देखिए तो आपको दिखाते हैं आगे की मार्केट। और अंकल यहां पे टायर भी मिल जाते हैं, जो टायर आपको 4,500-5,000 रुपए का टायर है ना शोरूम के अंदर या किसी शॉप के अंदर, वो यहाँ पे आपको टायर 2-3 हज़ार आराम से मिल जाएगा, 2-3 हज़ार का बिल्कुल नया टायर मिल जाएगा, और 800-900 रुपए का सेकंड हैंड टायर मिल जाएगा, जो कि आपको 2-3 साल काट देगा। और बाकी आप खुद देख कर लेना, कोई सामान लोगे तो यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ, वीडियो है आगे, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है टायर की दुकान, देख सकते हो शॉप का नाम भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं, मायापुरी बहुत बढ़िया है, ये टायर अलॉय व्हील वगैरह यहाँ पे सब मिल जाते हैं, ये देखो पूरे का पूरा अलॉय व्हील यहाँ पे मिल जाएंगे। कभी भी आपको आना हो तो मायापुरी आ सकते हो, सिर्फ हाफ रेट में अलॉय व्हील यहाँ पे हाफ रेट में मिल जाते हैं,
जो अलॉय व्हील आपको कोरोला में मिलेंगे ना, जो गाड़ियों के पार्ट्स, अलॉय व्हील्स, गियर अलॉय व्हील्स, भर भर का अलॉय व्हील्स रख रखे हैं गाइस यहाँ पे। गाड़ियों कोई ऐसा पार्ट्स होगा जो यहाँ पे शायद ना मिले आपको, सब मिलेगा, सब 99% सब कुछ मिल जाएगा भाई। देखो टायर वगैरह रखे हुए, कितने टायर है। तो गाइस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि आगे चल के ना पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी मायापुरी से रिलेटेड। जो मैं और वीडियो बनाने वाला हूँ वो वीडियो भी आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। लाइटें वगैरह मिल जाती है यहाँ पे सेकंड हैंड। देखो लाइटें वगैरह, अगर आपकी गाड़ी की कोई लाइट वगैरह फूट गई है ना, तो 400-500 रुपये के अंदर यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये की लाइट मिल जाती है। जो लाइट आपकी 3-4 हज़ार रुपये की होगी वो सिर्फ आपको 400-500 रुपये के अंदर मिल जाएगी। बम्पर वगैरह भी मिल जाते, देखो ये बम्पर वगैरह रखे हैं। बम्पर आपके ख़राब हो गए तो रिपेयर हो जाते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं ये वाइपर की मोटर लेके यहाँ पे इस दुकान पे। यहाँ से आप गाड़ी का कोई भी सामान ले सकते हैं, यानी कोई भी सामान से मतलब है जो यहाँ पे मिल जाए, जैसे गाड़ी की वाइपर की मोटर हो या कोई और मोटर हो, या गाड़ी का चार्जर हो जैसे बैटरी चार्ज होती है, कंप्रेसर वगैरह, रेडिएटर, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है आपको आसान, यानी रेट में मिल जाती है, कम रेट में मिल जाती हैं। जो रेट बाहर 2000 रुपये का होगा, यहाँ पे सामान 500 रुपये का मिल जाएगा। सेकंड हैंड होगा, सेकंड हैंड जैसे मिल जाता होगा, नया सामान भी यहाँ पे काफ़ी हद तक मिल जाता है। लेकिन कोशिश करिए अगर आप मायापुर आएँ तो सेकंड हैंड सामान ही लीजिए, क्योंकि काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाता है, और नया सामान तो फिर नया ही होता है भाई, वो आप फिर किसी भी दुकान से ले सकते हो। यहाँ पर कोई GST वगैरह या कोई टैक्स वगैरह नहीं होता, कम से कम रेट में आपको सारा सामान खरीदने को मिल जाएगा। बाकी आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे आके, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप ये सामने जो गाड़ी देख रहे हो ना, ये गाड़ी ब्लैंक है, मतलब ये खाली है, इसके अंदर इंजन नहीं है, बाकी सब कुछ लगा हुआ है। पूरी गाड़ी ये खाली है, इसके अंदर इंजन नहीं है, सिर्फ बॉडी बॉडी है। सामने बम्पर वगैरह आप ले सकते हो, यहाँ से एक सारा सामान आपको मिल जाएगा। अगर आप दरवाजे वगैरह भी लोगे ना गाड़ी के, दरवाजे, छत, डिग्गी, कुछ भी चीज़ लोगे गाड़ी का, लाइट वगैरह, शीशा, बैक शीशा, साइड मिरर, A to Z सामान यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये ले लिए मोटर भैया की दुकान से, कुछ और लेना हो तो यहाँ पे आ सकते हो आप। तो गाइस हमें वो वाइपर की मोटर मिल गई है, जो कि हमें नई भी नहीं मिल रही थी, न्यू और सेकंड हैंड दोनों नहीं मिल रही थी माल विनर में, और यहाँ पे मेरे को दोनों मोटर मिल गई, यानी नई तो छोड़ो, पुरानी मेरे को यहाँ पे मिल गई है, और सिर्फ 600 रुपये की मोटर मिल गई मुझे यहाँ पे। थोड़ा और अच्छे से बार्गेनिंग करता तो शायद 500 की भी दे देता। यहाँ पे आपको सारा सामान मिलेगा मायापुर में। ये देखो रेडिएटर वगैरह टंग रहे हैं गाड़ी के, सब कुछ यहाँ पे। और अभी आपको एक जगह लेके चलेंगे, हम आ गए मायापुरी, और यहाँ पर बनती है जीप। ये देखो ये जीप अभी इस कंडीशन में है, ये पुरानी आती है यहाँ पे इनके पास, और बाद में इनको ब्रांड भी बना देते हैं। ये देख लो इस तरह की जीप बना देते हैं। ये खड़ी है ना वाइट कलर की, देखो ये वाइट कलर की खड़ी है यहाँ पर, ये देखो जीप। और इन जीपों के अंदर ये इंजन दूसरे होते हैं, किसी में होंडा सिटी का इंजन होता होगा शायद, किसी में बुलेरो का होता होगा, वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर पता करा है तो दूसरी गाड़ियों के इनमें इंजन लगे होते हैं। वो जीप खड़ी है, ये देख सकते हो यहाँ पर पुरानी गाड़ी आती है और इनको नया बना देते हैं। ये उस्ताद है बनाने वाले, बताना भैया शक्ल देखवा लो, इसकी फोटो आएगी अखबार में, टीवी में। भाई किस रेट में जीप मिल जाती है यहाँ पे वैसे? भाई साहब यहाँ 4 लाख की भी है, 5 लाख की भी है। अच्छा, तो उसकी कितनी डेट बची होगी उसकी गाड़ी की? डेट नहीं मिलती है। डेट नहीं, तो जैसे मैं अगर परचेज खरीदता हूँ 3-4 लाख की जीप यहाँ से ले लेता हूँ, तो कितनी चल जाएगी यानी रोड पे, यानी कुछ RC वगैरह कैसे देते हैं? बाहर 15 साल, दिल्ली NCR से बाहर 15 साल हमारे नाम होगी। अच्छा, तो 15 साल पूरे मिलेंगे। अच्छा, और भैया जो इंजन लगा होगा गाड़ी में वो किन गाड़ियों का लगा? देखो एम्बेसडर का भी लगा है, पेट्रोल का अंदर। अच्छा, इसमें पेट्रोल का इंजन लगा हुआ है। देखो ये जो इंजन लगा है पेट्रोल का लगा है, एम्बेसडर का। एम्बेसडर का खड़ी है, बुलेरो को लगाया। अच्छा अच्छा, दो गाड़ी बिकी हुई है ना। अच्छा, यहाँ पर पूरा जीपो का काम होता है भाई। दिल्ली में अगर चलाना चाहे तो दिल्ली का क्या रुपया है? दिल्ली के लिए कोई देगा ही नहीं है पहली बात तो, मना कर देगा दिल्ली के लिए। अच्छा, अगर गाजियाबाद में भी नहीं चला सकते तो जो NCR पूरा। अच्छा, बाहर ले जा गाइस, जो है यहाँ दिल्ली NCR में गाड़ी चलेगी नहीं। अच्छा, अगर यूपी में, पूरी यूपी में चलाना चाहे तो गाड़ी कहीं भी चलेगी भैया? नंबर कहाँ का मिल जाएगा हमें?
और हमारे नाम फिर आपके नाम हो जाएगा एनओसी लेने से। अच्छा दिल्ली हमारे आरसी हमारी यानी हिमाचल की होगी। कंपनी गाय लेते हो ना, हाँ सब फर्स्ट मालिक आप ही रहोगे। अच्छा नए आरसी नए। अच्छा 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 अच्छा, कुछ इंजन की भी गारंटी वगैरह मिल जाएगी यहाँ पे? गाड़ी 6 महीने गारंटी है। 6 महीने की भैया पूरी गारंटी दे रहे हैं। अबे अगर हम अपना कोई इंजन लगवा जाए होंडा सिटी का इंजन ला के लगवाए या कोई और कोई फोटो है कैसे हाँ, बनाने आप हाँ। अच्छा जैसा हम फोटो दिखाएंगे वैसा बना देंगे। बाकी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी आपको दिखाते हैं। तो भाई जीप वगैरह बन रही है देख लो, नई नई पूरी की पूरी ब्रांड न्यू जीप है। भाई कह रहे हैं इसमें हिमाचल नंबर देंगे। गाइस यहाँ पे जो है लोग दूर दूर से जीप लेने आते हैं, जिप्सी लेने आते हैं, लाइक पंजाब हरियाणा यूपी हिमाचल उत्तराखंड, ज़्यादातर हिमाचल और उत्तराखंड में के लोग यहाँ से ज़्यादा गाड़ी लेने आते हैं। और ये जो नंबर देते हैं ना ज़्यादातर हिमाचल का ही नंबर देते हैं, और 15 साल की वैल्यू प्रोवाइड करवाएंगे आपको कोई भी गाड़ी की अगर आप दिल्ली से बाहर के लिए गाड़ी लेते हैं। बिल्कुल नई नई ब्रांड न्यू आपको जीप बना कर देंगे 3 से 4 लाख के रेट में, और 5 लाख के रेट में तो बिल्कुल ये सोच लो आपको तगड़े अलॉय व्हील भी लगा के दे देंगे, टायर बढ़िया दे देंगे, और इंजन की गारंटी भी आपको अच्छी प्रोवाइड करवा देंगे। आप कंडीशन देख सकते हो इन जीपों की, ये देखो जैसे जिम कॉर्बेट में गाड़ियाँ होती हैं या हिमाचल में गाड़ियाँ होती हैं उस तरह की ये गाड़ियाँ हैं। अगर आप यहाँ पे जीप लेना चाहते हो तो यहाँ पे आके ले सकते हो। देखो रेट मैं भी जो बताऊँगा उस रेट पर उस टाइम आपको कुछ मिले ना मिले कैसी मिले, जो डिमांड होती है उस पर जीप देते हैं। एक बार पूछ लेते भैया से किस रेट में यहाँ पे जीप मिल जाती है, देख किस रेट में जीप बन जाती है यहाँ पे 3.5-4 लाख के आसपास। तो दिल्ली के लिए अलाउ अगर तो होगी नहीं है? दिल्ली के लिए अलाउ भी है। दिल्ली के रहती है अलाउ? 7-8 लाख की। 7-8 लाख की अच्छा, कम से कम 8 लाख दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए वैसे और अगर यूपी के लिए लें जैसे मुरादाबाद वगैरह रामपुर वगैरह लखनऊ के लिए 3.5-4 लाख की मिलेगी। अच्छा अच्छा ये UP 17। अच्छा UP 17 नंबर, UP 14 नंबर देखो ले बनाई हुई ब्रांड न्यू जीप खड़ी हुई है। अच्छा 17 मॉडल है बनाई हुई नहीं ओरिजिनल। अच्छा ये ओरिजिनल है बिल्कुल। आप कभी भी आओ तो आप संपर्क कर सकते हो, ये पोस्ट ऑफिस है बैक साइड पे इसके आप देख सकते हो यहाँ पे। और भैया इंजन वगैरह कौन सी गाड़ी के लगे होते हैं इनमें? ओरिजिनल इंजन होता है। अगर कोई और इंजन भी लगवाना चाहे तो लगवा देते हो आप? अच्छा डीजल पेट्रोल दोनों इंजन मिल जाएंगे? दोनों इंजन यहाँ पे मिल जाएंगे डीजल तैयार करके दे देंगे, पेट्रोल की तो होती है। अच्छा अगर आपको गाड़ी चाहिए तो भाई अपना नंबर एक बार जरा बता देना इसके अंदर, कोई जो भाई वीडियो देखेंगे वो आ जाएंगे सीधा। नंबर बताएं 911 भैया नंबर बता रहे हैं 9811 आगे फिर 9898 4588 4588। ठीक है भाई आपने नंबर सुन लिया है, कभी भी यहाँ पर आना हो तो वीडियो में से आप नंबर निकाल सकते हैं। ब्लू कलर की ब्रांड न्यू जीप खड़ी है बिल्कुल, ये जिम कॉर्बेट जा सकती है, नैनीताल जा सकती है, हिमाचल जा सकती है जीप है जो खड़ी है। तो भाई जैसे कि आपने अभी देखा पहले तो गर्मी बहुत है यार, भाई वीडियो को लाइक कर देना इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। और सामने बहुत तगड़ी थार खड़ी है आपको दिखाता हूँ मैं भी, बनाई हुई लग रही है। गाड़ी ले जाते हैं ये नई की नई जीप बना रखी है भैया ने, ये भी दिल्ली से बाहर जाएगी, बिल्कुल नई जीप खड़ी हुई है। ये देखो चावला देखो गाड़ी उठाते नहीं जी, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे थार ला रखी है, हाँ हिमाचल प्रदेश नंबर है। और ये जो थार है बनी हुई है थार पूरी देख सकते हो, पूरी थार ये बनी हुई थार है, अलॉय व्हील एक नंबर का अलॉय व्हील लग रहे हैं गाइस। तो हिमाचल गाड़ी है ये बनी हुई गाड़ी है यहाँ पर मायापुरी के अंदर, गाड़ी देख सकते हो कितनी जानदार लग रही है, इंजन पता नहीं इसमें किस चीज़ का लगाया होगा भैया ने। और यहाँ पे एक ये जीप बनी हुई है, गाड़ी है ना अपनी ये तो नहीं पुलिस वाले, एक ये जिप्सी बनी हुई है देखो, ये नई जिप्सी है बिल्कुल सिल्वर कलर की, इस पर भी नंबर लगानी है। बाकी है 4/28। तो भाई कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? यार वीडियो को ना सब्सक्राइब कर जरूर कर देना, कभी आपको कोई गाड़ी का कोई पार्ट्स लेना तो आप यहाँ मायापुरी से आना ठीक है, और कोशिश करना सुबह के टाइम पे आना ताकि शाम तक आप आसानी से कोई भी सामान ले सको, क्योंकि यहाँ ढूंढना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है यार।
तो चावल आज हमें खिला रहा, क्या खिला रहा भाई? भल्ले पापड़ी भाई। भल्ले पापड़ी खिला रहा है, कह रहा पैसे भी मैं ही दूंगा। ए भाई की बात है, एक ही बात है यार भाई, कह रहा एक ही बात है। मैं कह रहा फिर चल ठीक है भाई, अब तेरा दोस्त इतनी। भाई से हम खा रहे हैं भल्ला पापड़ी, ये फेमस भल्ले पापड़ी है भाई। कितनी पुरानी दुकान है? 22 साल पुरानी दुकान थी, जहाँ से भाई ने भल्ले पापड़ी लिए हैं। और दुकान नहीं है, एक भाई ने बाइक के ऊपर अपनी दुकान लगाई, दिखाता हूँ आपको। ज़ूम कर, ज़ूम। भाई ये भैया की दुकान है, बाईस साल तक यहाँ पे ये दुकान लगा रहे हैं। स्कूटी के ऊपर इन्होंने लगाई है स्कूटी भाई, कुछ यहाँ पे है। और देख लो, और टेस्ट एक नंबर का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। टैगोर गार्डन एक नंबर का टेस्ट है, देख लो। तो भाई फाइनली ये मोटर मुझे अभी मिल गई है, पूरा मोटर के साथ पूरा सेट मिल गया है। खाली मोटर मैंने पता करी थी तो 2200 रुपये की या 2300 रुपये की मोटर थी, ठीक है, वो भी लोकल मोटर 2300 रुपये की। और फिर पूरा सेट अगर मैं लेता तो वो पूरा सेट मेरे को 5 से 6 हज़ार का पड़ता, क्योंकि मायापुर में मुझे पूरा का पूरा सेट सिर्फ 600 रुपये का मिल गया। थोड़ी बार्गेनिंग करता तो 500 का भी मिल सकता था, 600 भी मैं खुश हूँ। तो गाइस गाड़ी के अंदर अब वाइपर मोटर लग चुकी है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो यार, कुछ आपको सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आज पूरा दिन धूप में घूमते निकल गया यार। थैंक यू। अब बस घर चलना है गाइस। आज एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए पूरा दिन लग गया, फाइनली गाड़ी तो ठीक हो गई है, वाइपर की मोटर भी मिल गई, लग भी गई, अब बस चलाना बाकी है।